प्रणाम सभी लोगों को मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का कर स्वागत करता हूँ सभी को प्रणाम करता हूँ आइए आज हम लोग गंडूस उपक्रम के बारे में बात करेंगे यह दिनचर्या में बताया गया है और आप सब लोग को अपने पेशेंट को यह बोलना ही है कि आप लोग कवल और गंडूस करिए इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे आप लोग का क्या क्या अनुभव है इस बारे में आप लोग जरूर बताइएगा हमने पढ़ा तो बहुत कुछ है लेकिन उसको अप्लाई कम करते हैं जिसके वजह से हम लोग का ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं अधूरा रहता है हमें ट्रीटमेंट को परिपूर्ण करना है हर तरह से और इसका अगर इम्पोर्टेंस प्रैक्टिकली आज के जमाने में देखा जाए तो ज्यादा इम्पोर्टेंस है मैं अभी ग्रंथ नहीं बता रहा हूँ ग्रंथ बताऊंगा तो आप लोग सोचेंगे क्या वो वही वही संस्कृत के श्लोक वही वही चीजें इसको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आज के परिपेक्ष में कि इसका कितना ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है स्वस्थ को स्वास्थ्य को टिकाए रखने के लिए तो चलिए हम गंडूश के बारे में बात करेंगे ग्रंथों पे हम लोग बा, बात तो करते ही हैं अच्छा मेरा वॉइस लो है मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को अगर मेरी आवाज लो आ रही है तो मुझे थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाने दीजिए जी सर आ रही है सर प्रणाम सर सर क्लियर आवाज आ रही है, आ रही है सर। अच्छा ठीक है क्लियर है ठीक है ठीक है चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं किसी को मेरी आवाज कम आ रही थी आशीष कुमार जैन जी को ठीक है चलिए मैं अभी बताता हूँ गंडूश के बारे में हम लोग बात करेंगे गंडुष जो है हमारे जितने भी संहिता ग्रंथ है उनके बारे में बताया है चरक संहिता में तो बहुत ही अच्छे से बताया है जहाँ दिनचर्या के बारे में बताया है तस्य मतलब ऋतुचर्या के बाद में जो सत्य तत्ति अध्याय है उसमें इसके बारे में बहुत अच्छा से बताया है इसी तरह से इसका एक जैसा एक और है कवल गंडूष या कवल ग्रह ऐसा नाम दिया गया है जो भारतीय संस्कृति है उसमें जो आयुर्वेदिक टेक्निक था तो उसमें तेल तेल को मुंह में धारण करना और अगर धारण करके रख रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कवल सॉरी गंडुश और अगर हम उसको अंदर ही अंदर घुमाएंगे तो उसको बोलेंगे कवल मतलब मुंह में अंदर खींचना और छोड़ना खींचना छोड़ना गोल गोल घुमाना इसको हम बोलेंगे कवल इसका बहुत ज्यादा महत्व है और गंडूस जो है जो हम तेल को धारण करते हैं कोई काढ़े को धारण करते हैं तो इससे अपने दांत बहुत मजबूत होते हैं अपने दांतों के मसूड़े मजबूत होते हैं अपना जो जॉ है पूरा सब सबमेंडुबुलर ज्वाइंट है वो मजबूत होता है पूरा हनु हनु का एरिया जो है जिसको हम लोग जॉ बोलेंगे और जो ज्वाइंट है हनु अस, संधि वो मजबूत होता है और इसके वजह से दांत नहीं सड़ते हैं अगर ये गंडूश को धारण किया जाए इसी तरह से गंदा बदबू अगर आ रहा है वो बंद हो जाता है ब्लीडिंग गम्स है मतलब दांतों से खून आना मसूडों से खून आना वो बंद हो जाता है और मुंह का जो शुष्कता है ड्राइनेस है वो खत्म हो जाता है जो अपनी होट जो है क्रैक हो रही है बार बार वो ठीक हो जाता है तो गंडूस जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे दिनचर्या में बताया नित्य कर्म में बताया है पहले के जमाने में लोग क्या करते थे जो बड़े बूढ़े लोग रहते थे वो खाना खाने के बाद मुंह में थोड़ा पानी को धारण करके रखते थे और फिर उसके बाद में कुल्ला करके वो फेंक देते थे तो उससे क्या था कि अन्न का कोई भी कण अगर दांत में अटका है तो वो पूरा निकल जाता था आजकल ये सब नहीं दिया जाता है ओरल हाइजीन पे ध्यान नहीं दिया जाता है ब्रश कर लेना बस ऐसा ही समझा जाता है दिन में पांच बार ब्रश कर लिया बस हो गया एक बार सलमान खान से पूछा गया कि आप कितने बार ब्रश करते हैं तो उसने कहा कि मैं दिन में पांच बार करता हूँ तीन तीन मिनट का तीन मिनट में मैं ब्रश करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर दांतों का सब हाइजीन ठीक हो गया है अगर हमें हाइजीन अच्छा रखना है तो मसूड़े भी अच्छे होने चाहिए दांतों के अंदर कोई कचरा वगैरह नहीं जमा होना चाहिए तो इसलिए गंडूश का विधि जो है या कवल का विधि है वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है ब्रश करना तो एक अलग बात है ही वो जरूरी है उसको हम गलत नहीं बोलेंगे ब्रश तो करना ही चाहिए लेकिन गंडूश करना कवल करना बहुत जरूरी होता है बहुत बड़े बड़े बीमारियों में हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं बहुत सारे ओरल सर्जरीज होते हैं कैंसर वगैरह होता है लोग आजकल क्या करते हैं आप लोग बड़े बड़े सिटी में भी देखिए गांव में भी देखिए लोग गुटखा खाते हैं खैनी खाते हैं पान पराग खाते हैं जुबा केसरी वो रहते है, विमल खाते हैं और बड़े बड़े फिल्म स्टार भी आके बताते हैं कि ये खाओ वो खाओ ऊंचे लोग ऊंची पसंद बोलो जुबा केसरी और रजनीगंधा और क्या क्या चीज और अभी तो माणिकचंद बंद हो गया जब मैं पढ़ता था तो वो जो माणिकचंद रसिकलाल माणिकचंद जी है उनके इतना मतलब लोग गुटका खाते थे इतना खाते थे वो माणिक चंद का जो आता था इतना लोग में हो गया और उसके बाद इतना ज्यादा कैंसर वगैरह बढ़ गया तो और वो क्या है ना एक बार मैं ट्वेल्थ में था तो मेरे साथ एक लड़का था तो उसको ना उसके पापा बजाज टेम्पो में थे कंपनी था बजाज टेम्पो कंपनी जो बड़े बड़े बसेस और ट्रक्स बनाता है तो उधर वो बहुत अच्छे पोस्ट पे थे उसके पिताजी तो वो पॉकेट मनी देते थे तो वो क्या करता था कि वो दिन भर माणिक खाता था घर में जाके कुल्ला कर लेगा ऐसे तो दिन भर खाता था तो एक दिन वो आया तो उसका पूरा अंदर से खाया नहीं जा रहा था तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ तो उसने बताया कि मैंने माणिक खाया और मैं जाते जाते घर में कुछ खाना ना खाके सो गया और माणिक के अंदर से पूरा अंदर इरिटेशन हो गया और उसको बहुत तकलीफ हुआ फिर डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा तब उसका पोल खुला कि वो खाता है तो आयुर्वेद में ओरल हाइजीन पे बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है और उस जमाने में ये गुटका पान पराग खैनी ये सब नहीं होता था हमारे आयुर्वेद में तांबुल खाने को बोला है पान का पत्ता खाने के लिए बोला है लेकिन गुटका वगैरह नहीं बोला है और कोई गुटका खाएगा या तम्बाकू खाएगा तो वो ऊंचे लोग नहीं होता है वो ऐसा भ्रांति फैलाया गया है ऊंचे लोग ऊंची पसंद और हमारे देश के एक मुख्यमंत्री हैं वो दिन भर गुटका मुंह में रखते हैं और वो बात भी करते हैं तो पूरा मुंह भरा हुआ रहता है आप लोग समझ गए होंगे पूर्वांचल के एक बहुत बड़े मुख्यमंत्री हैं जो पलटू राम राम से जाने जाते हैं मैं अभी नाम नहीं लूंगा लेकिन आप लोग समझ जाइए वो दिन भर वही खाते रहते हैं तो ये जो चीज है ये गंदा चीज है ये हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं है जो लोग को बेचना है वो तो बेचने के लिए खुद भी एडवर्टाइज करेंगे और बेचते हैं तो ये जो गंडूश होता है या कबल होता है ये बहुत सारे अंदर ओरल सर्जरी को हील करने के लिए भी प्रयोग किया जाता था इससे क्या होता है गंडूस का प्रयोग करने से बुढ़ापा नहीं आता है क्योंकि ये शरीर का टॉक्सिन निकाल देता है हमारे बोधक कफ का सिक्रीशन को अच्छा रखता है और जख्म जल्दी भरता है और मनुष्य की आयु बढ़ती है क्योंकि हमारा जो मुख द्वार है यहीं से हम लोग अन्न का सेवन करते हैं अगर वो रास्ता ही साफ है स्वच्छ है तो जो अंदर पेट में जो भी चीजें जाएगी वो स्वच्छ जाएंगी और उसका पाचन क्रिया अच्छा होगा और फिर व्याधि नहीं होगा ऐसा सोच के हमारे आचार्य लोगों ने ऋषि मुनि लोगों ने मुंह का जो द्वार है अगर जैसे कोई सुरंग है, वो अगर अच्छा है, है तो उसी तरह से मुंह का जो कुहर है वो पूरा तरह से स्वच्छ रखने के लिए कवल और गंडूस बताया गया है गंडूस कैसे काम करता है तो हम लोग अगर देखते हैं कि हमारा जो जीवा है वो हमारा टेस्ट का ज्ञान करता है और ये एक तरह का स्पेसिफिक ऑर्गन है हमारे ह्यूमन बॉडी का जैसे कि दूसरे ऑर्गन है जैसे कि स्टमक है इंटेस्टाइन है कोलोन है किडनीज है स्प्लिन है लीवर है लंग्स है हार्ट है पेंक्रिया स्पाइन तो इसी तरह से जो टंग का जो सरफेस है उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है उसको रसनेन्द्रिय ऐसा हमारे आचार्य लोगों ने कहा है जब हम तेल को डुबा के रखते हैं मुंह के अंदर भर के रखते हैं तो जो दांत है वह मतलब उसके जो नर्व एंडिंग है जहां पे दांत है उनको स्टिमुलेशन मिलता है एक तरह से उनका मसाज होता है और जब हम तेल को आगे पीछे जब करते हैं कवल में तो उससे क्या होता है कि वो दांतों को और मजबूत करता है इसलिए कवल और गंडूश का बहुत ज्यादा महत्व है गंडूश को कैसे करना है तो तिल तेल जो है वो सबसे अच्छा माना गया है दांतों के लिए मसूड़ों के लिए तो मेथड सबसे सिंपल है कि सबसे पहले सुबह उठना है एम्टी स्टमक कोई ब्रश करने के बाद कोई भी लिक्विड ले लेना है और ब्रश करने के बाद उसको कोई काढ़ा ले, जैसे त्रिफला का काढ़ा ले, या कोई तेल लें ईरीमेदादी तेल लें तिल तेल लें और उसको मुंह में भर के रखना है और इसको जितना देर रख सकते हैं पांच मिनट दस मिनट जितना सबकी कैपेसिटी है उतना रखना है और ये दो तीन बार करना है फिर थूक देना है ये होता है गंडुश अगर हम उसको हिलाते हैं ऊपर नीचे आगे पीछे तो उसको बोलते हैं कवल और एक बार में बीस से तीस एम एक जो एडल्ट है उनको बीस से तीस एम तक तिल तेल, -तेल मुंह में रख सकते हैं वो। उसको लेकिन पीना नहीं है तिल तेल अगर पिएंगे तो उसे मंद करेगा तेल जो है वो स्नेह है उसको पीना नहीं है अगर वो ज्यादा लेंगे तेल तो जैसे हम लोग स्नेह विधि में बोला है कि भूखे पेट लेके फिर कुछ खाना नहीं है जब तक तो भूखने लगे तब वैसा हमें करना पड़ेगा नहीं तो आप तिल तेल, तेल पियेंगे भूखने लगे और तब भी खा लेंगे तो ग्रहणी दृष्टि होगा तो ये तेल को फेंक देना ज्यादा सही रहता है और तेल को अगर कवल करना है तो आपको आगे पीछे सब घुमाना है उसको और दांतों के अंदर से भी ये जाना चाहिए तेल और इसमें धीरे धीरे करना है बहुत जोर जोर से नहीं करना है बहुत हल्का हल्का करना है बिना कोई मेहनत के आराम से आगे पीछे आगे पीछे करना है अगर गंडूश कर रहे हैं तो जब तक मुंह में धारण कर पा रहे हैं अंदर दर्द नहीं हो उतना देर तक धारण करके रखना है दूसरा क्या है कि जब तेल जो थोड़ा सा येलोइश होता है विस्कस होता है जब उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है हमारा जो लार है वो मिक्स हो जाता है तो ये थोड़ा ऐसे पानी जैसा हो जाता है और जो टॉक्जिन निकल रहे हैं हमारे मुंह के अंदर से वो तेल को थोड़ा हल्का बना देते हैं और तेल जो रहता है वो थोड़ा आ, मतलब पानी जैसा हो जाता है और थोड़ा झागदार हो जाता है एक बार ये हो जाता है तो ये पूरा तेल को फेंक देना है और गर्म पानी से मतलब हल्का कोष्ण जल से मुंह को धूल धो लेना है या नॉर्मल जो मतलब नल का पानी है नॉर्मल पानी उससे पूरी तरह से दांत को साफ कर देना है ये प्रोसीजर रहता है अब कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना चाहिए कि गंडूश कर रहे हैं तो क्या क्या करना चाहिए तो ये कभी भी हमारे ग्रंथकारों ने बोला है कि भूखे पेट ही करना है खाना खाने के बाद नहीं करना है अर्ली मॉर्निंग करना है और सुबह के टाइम पे करें और कोई भी पानी पीने के पहले करें सुबह उठते उठते ब्रश करके या दंत धावन करके पहले ये करें ये सबसे अच्छा रहता है और सुबह का टाइम जो रहता है ब्राह्म मुहूर्त में ये करना सबसे सही रहता है अगर किसी को नहीं हो पा रहे तो दिन में कभी भी कर सकते हैं और खाना खाने के चार घंटे बाद करना चाहिए ऐसा हमारे ग्रंथकारों ने बताया तेल का गंडूश अगर दंत धावन के बाद करें तो ज्यादा फायदा होता है क्योंकि पहले के जमाने में जो दातुन होता था उसको पूरी तरह से ऐसे कुची टाइप बना के दांतों से पीस के और फिर उससे ब्रश किया जाता था दंत धावन किया जाता था तो कभी कभी इंजुरी होने का चांसेस रहता था आजकल का ब्रश कुछ अलग टेक्निक से बनाया है पहले का जो दातुन है उसका रस निकल रहा है ठीक है लेकिन कहीं कहीं इंजुरी हो जाता था तो वो इंजुरी से हील होना भी चाहिए आ, कहीं दांत दर्द हो रहे हैं जिसको प्रैक्टिस नहीं दंत धावन का तो गंडूस करने से वो सारा हीलिंग जल्दी प्रोसेस हो जाता है अगर तिल ती, तेल से गंडूस कर रहे हैं तो सम्यक लक्षण दिखना चाहिए और दूसरा क्या है कि मुंह में धारण करके रखना है और पेशेंट का जो नोस्ट्रिल है हाँ और ये कब तक धारण करके रखना है तो ग्रंथों में बोला है कि नाक से आख से पानी ना है। तब तक हमें धारण करके रखना है सारे दोष निकलना शुरू हो जाते हैं तो इसको सम्यक लक्षण बोलते हैं मतलब हमने मुंह में धारण किया है पूरा तेल धारण करके रखना हैं नाक से पानी आने लगना आंख से पानी आने लगना इतना देर तक रखना है और फिर उसके बाद में फिर थूक देना है उसके बाद में फिर से फ्रेश लेना है ऐसे करके हमें तीन से चार बार करना है और तीन तीन मिनट का कर सकते हैं चार चार मिनट का कर सकते हैं और दूसरा है कि अगर मुंह में ऐसा फीलिंग हो रहा है कि तेल पूरा भर गया है तो उसको जल्दी जल्दी करके फिर खत्म करना है अगर कोई कुछ लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा मुंह को झुका के पूरा अपना हेड को झुका के तब करते हैं वैसा भी कर सकते हैं उसके बाद में करने के बाद नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लेना है या फिर थोड़ा सा ल्यूक्म वाटर से मतलब कोष्ण जल से कुल्ला करना है कुछ लोग क्या करते हैं कि नमक का पानी से करते हैं वो भी सही है अगर आपको थूकना पड़ रहा है तो आप करने के पहले वो थूक के फिर फ्रेश तेल लीजिए ऐसा है तीन चार बार जब कर रहे हैं तो दूसरा क्या है कि इसको तेल को पीना नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि दांतों में बैक्टीरिया रहते हैं मसूड़ों में बैक्टीरिया रहते हैं अगर आपने उसको पी लिया अंदर तो अंदर पूरा बैक्टीरिया जाएगा बीमारी हो जाएगा जो आयुर्वेद का नाम लेके बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला है मतलब ऐसा सिखाते हैं लेकिन आयुर्वेद में नहीं लिखा है लेकिन ऐसा सिखाया गया है कि पहला लार को लेके और उसको अंदर लेना चाहिए यह गलत बात है ऐसा नहीं होना चाहिए बोलते हैं लार को लेके आंखों में लगाओ आंखों की रोशनी बढ़ती है ऐसा आयुर्वेद में कहीं नहीं लिखा गया है बागवत संहिता के नाम पे बहुत सारा ऐसे वीडियो है बहुत सारे लोगों के जो गलत है उसमें अंदर बैक्टीरिया रहता है उसको फेंकना ही चाहिए दंत धावन है दांतों का हाइजीन रखना बहुत जरूरी है और सुबह उठने के बाद पहले दांतों ने ब्रश करके और ये तेल धारण करना है और इसको अंदर नहीं लेना है क्योंकि तो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा अंदर रहती हैं उससे बीमारी जाती है और वो कोई पहला जो लार होता है वो अच्छा नहीं होता है अनहाइजीनिक होता है उसको फेंकना जरूरी होता है दूसरा है कि अगर तेल जो है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है वो ज्यादा अच्छा रहता है अब इसका क्या उपयोग है वो मैं आगे बताऊंगा आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग बोलिए मैं अकेले नहीं बोलूंगा आप लोगों का क्या अनुभव है इस बारे में क्या विचार है डॉक्टर अखिलेश सर, सर, अच्छा तो भले हम इस चीज को भूल गए हैं शास्त्रों में बोला ही गया है कि खाना खाने के बाद सोलह वाल कवल करना चाहिए और आज हम जिस चीज को इस चीज को अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं जिसका कारण है कि बहुत सारे दांत की प्रॉब्लम हो रही है हमको मतलब मुंह का जो भी प्रॉब्लम हो रही है हमने कुछ ऐसा अनुभव शेयर करना चाहते हैं कि जो हमारे प्रैक्टिकल में है जैसे जैसे अगर ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम रहती है उसमें त्रिफला का अगर काढ़ा बनाकर या अमरूद का पत्ता का काढ़ा बनाकर या किसी भी कसाई रस का काढ़ा बनाकर अगर हम इसमें गंडूस धारण करते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा देखे है इसका प्रभाव या कुछ भी नहीं है तो फिटकरी का थोड़ा सा पाउडर लेकर के वन पिंच और एक कप पानी में डाल दीजिए उसको थोड़ा सा लुक वॉर्म करके और उसका धारण करते हैं तो ये भी रस का होता है और खास करके जो ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत अच्छा और साथ में ठंडा गर्म लगने में भी बहुत अच्छा काम करता है और वेरिकोजेन में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है गंडूस धारण करने का फेसियल पैरालिस्ड जो हो जाते हैं उनके लिए भी है और ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट रखता है कि बहुत लोग को ये पता नहीं होता है कि इसको कब हमको करना है तो सर आपने सही एकदम बताया है कि हमको जब भी कवल धारण करना है गंडूस करना है कवल धारण तो खाना खाने के बाद करना है वो तो मतलब लेना है और फेंकना है लेकिन गंडूस जो करते हैं जो आपने बोला कि जब तक आपको मतलब ऐसा लगे डिस्कम्फर्ट लगता है आँख से पानी आने लगता है नाक से पानी आने लगता है तब तो उसको निकालना है तो ये तभी करेंगे जब आप हम भूखे पे मतलब भूखे पेट होते हैं एम्प्टी स्टमक होते हैं तभी ये चीज को करना है और इसका हम अपने भी देखे हैं इसका प्रयोग करके बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट आता है और हम लोग को रेगुलर ये अपने रूटीन में शामिल करना ही चाहिए और खाने के चार घंटे बाद का जो रूटीन है या इसका मतलब यही होता है कि अगर हम डालते हैं तो कहीं ना कहीं अग्नि का का भी इस पर विचार कर सकते हैं अग्नि मंद वगैरह होती है तो तुरंत खाना खा करके हमको नहीं करना है खाली पेट अगर करते हैं तो डिटॉक्स करता है पूरे बॉडी का जैसा कि हमारा जो सेंस हो मतलब जो जो टेस्ट बड होता है तो ये सब चीज है सर बाद में करूँ मैं बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है ठीक है बहुत अच्छा बताया सर आपने थैंक यू और कुमार जैन जी हाँ सोनिया मैम बोलिए आप गुड इवनिंग सर

उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है एक साइड का आपने आकाश तत्व पे तेल डाला तो दूसरे तत्व में वो अपने आप अप, दूसरे जगह पे खुद ही काम करता है और ऐसा रिजल्ट है इस पे एमडी का रिसर्च भी हुआ है ऐसा होता ठीक है।, ठीक है तीन महीना अगर करेंगे पूरा ठीक हो जाता है कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए सर तिल तेलिको तिल तेल इरी मेदादी तेल तिल तेल अब तिल तेल के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे फिर आप लोग बोलिए तिल तेल को हम लोग जिंजली ऑयल ऐसा बोलते हैं और तिल तेल जो है वो गंडूश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तिल तेल में बहुत हाई लेवल का एंटीऑक्सीडेंट रहता है फिनॉल्स रहते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और ब्लड वेसल का डीजनरेशन जो है उसको वो रोकते हैं और ये तिल तेल है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है तो जब आप मुंह में कवल धारण गंडूश धारण कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि ब्लड वेसल्स जो है उसमें लॉचिक बनाएगा मतलब पूरे शरीर की जितने भी आर्टरीज कैपिलरीज हैं उसमें लॉचिक बनाएगा कारण क्या होता है कि आर्थेरोस्क्लेरोसिस प्लेक फॉर्मेशन ये जब होता है तो आर्टरीज और वेन्स का ट्यूनिका इंटरना मीडिया एक्सटर्ना जो रहता है तीन लेयर्स तो वो उसमें लॉचिक बना रहेगा तो वो इंसान ज्यादा दिन तक जी सकता है लॉचिक पेना कम होने लगा रुक्षता बढ़ने लगी उसमें ब्लॉकेजेस हो गए रक्तवाहिनी फट गई हो गया कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया ब्लॉकेज हो गया तो बहुत सारी बीमारियां होती हमेशा रहना चाहिए तो इसके लिए हमें तिल तेल का प्रयोग करना है तिल तेल में सिस्मॉल करके एक कंटेन होता है और सिस्मिन करके होता है ये बहुत पावरफुल एंटी रहता है और तिल तेल ऐसा है कि जैसे कि स्याही होती है इंक होता है वो अगर कहीं लग जाए तो आपके शर्ट पे गिर जाए तो वो क्या का रंग चढ़ जाता है तिल तेल ऐसा है कि इसका कहीं स्टेन नहीं रहता मुंह में पता भी नहीं चलेगा कि आपने गंडूश किया है इसके अलावा आपने कुछ और चीज किया मतलब तिल तेल के अलावा तो वो मुंह में ऐसे लाल हो जैसे स्टेन का मतलब क्या होता है कि जैसे पान का पत्ता खाया तो मुंह कैसा लाल हो जाता है ऐसा तिल तेल में नहीं है कहीं पर भी स्टेन नहीं रहता है और इसका कोई टेस्ट नहीं होता है तिल तेल का तो ये इजीली पैलेटेबल है मतलब कोई भी इंसान ले सकता है ये विटामिन ई e लेवल को शरीर में बढ़ाता है 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 तिल इतना बढ़िया है। और इसमें 40 लिनोलियम एसिड रहता जो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी करता है मतलब कोई भी इंफेक्शन वगैरह शरीर में होने नहीं देता है इतना बढ़िया है कोल्ड प्रेस तिल तेल जो रहता है वो सबसे बेस्ट तेल बोला जाता है अगर वो नहीं है तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं कोल्ड प्रेस मतलब जो आ, आ, हमने तिल का बीज डाल के और पूरा ऐस, ऐसे कोलू के उससे करके और फ्रेश तेल निकाला छान लिया होता है कोल्ड प्रेस्ड तिल तेल रिफाइंड जो रहता है उसको पूरी तरह से प्रोसेस करके और उसका स्नेहपना कम करते है और रिफाइन किया जाता है उसमें स्नेधांश कम रहता है तो जो कोल्ड प्रेस्ड तिल तेल है जो ओरिजिनल रहता है तो कच्ची धानी का सरसों तेल कच्ची धानी का उसमें पूरा एकदम झान जाता है एकदम सुगंध आता है वैसे ही तिल तेल जो कोल्ड प्रेस्ड रहता है फ्रेश बनाया हुआ और ओरिजिनल वह सबसे बेस्ट माना जाता है तिल तेल को हर समय अच्छा माना गया है हमारे ग्रंथों में तेलों में श्रेष्ठ तिल तेल माना गया है जितने भी अपने सिद्ध तेल बनते धन्वंतर तेल सराधी तेल सब तिल तेल में बनाते हैं और साउथ इंडिया में केरल में नारियल तेल में बनाते हैं उसको बोलते हैं केरा तेल जैसे शीर केरा तेल जहाँ केरा शब्द आ रहा है वहां पे नारियल तेल है और बाकी सारे तेल हमारे तिल तेल में तो तिल तेल को सबसे अच्छा माना गया है तेलों में और सबसे ज्यादा विटामिन ई e रहता है ये तिल तेल में खाना बनाने से बहुत शरीर को इम्यूनिटी अच्छी रहती है हाइएस्ट एंटी कंटेंट रहता है इसमें बहुत सारे चीजें रहती है एक, एंटी ऑक्सीडेंट जैसे सिस्मॉल रहता है सिस्मोलिन रहता है, है तो सिस्मा, जो रहता है वो कोलेस्ट्रोल का एब्जॉर्बशन को रोकता है जिसकी वजह से शरीर में कोलेस्ट्रोल प्रोडक्शन जो है लीवर में वो बैलेंस रहता है अगर हम जो लोग भी कवल और गंडूस कर रहे हैं वो पेशेंट का कभी भी कोलेस्ट्रोल नहीं शरीर में ज्यादा बढ़ेगा इतना गारंटी रिसर्च पेपर हुआ है जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब रिसर्च हुआ है तो कोलेस्ट्रोल प्रोडक्शन को कंट्रोल रखता है जो है और ये शरीर में फैट सेल्स को आ, कम करता है और बीपी को भी मेंटेन रखता है जो तिल तेल है इसको सबसे अच्छा बोला गया है कि जो जो लोग बहुत ज्यादा बीमार है हम लोग इसे बस्ती में देते हैं कंटिन्यू हम मात्रा बस्ती देते हैं कोई भी तेल का तो तेल का बेस क्या होता है तिल तेल होता है तो ये रिजनरेट करता है सेल्स को और जो लोग बहुत सालों साल बीमार हैं उनको भी कवल गंडूज के रूप में दे बस्ती के रूप में दे नस्य के रूप में दे तो रिजुमिनेट करता है एक एक सेल को नया बनाता है इसी तरह से ये प्लांट बेस्ड है तो इसमें ओरिजिनल फॉर्म में मैग्नीशियम रहता है कॉपर रहता है कैल्शियम रहता है आयरन रहता है जिंक रहता है विटामिन बी सिक्स रहता है कॉपर जो रहता है ताम्र नेचुरल कॉपर रहता है इसमें तुलसी में भी रहता है और इसमें बेलपत्र में भी रहता है तो जो तिल तेल में जो कॉपर रहता है ताम्र ये हमारे नर्व को ताकत देता है हार्ट बीट को ताकत देता है जिनको गठिया बात है वहां पे जो इंफ्लमेशन है उस उसपे तिल तेल का कवल गंडूज करने से हम डायरेक्ट तो स्नेह दे नहीं सकते कवल गंडूस करने से स्नेहन होता है अंदर ही अंदर माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ता है भले आम का पाचन हम लोग करते रहे लेकिन वहां संधियों में स्नेहन होना जरूरी है इसलिए कवल गंडूज से वो चीजें आराम से हो जाती है मैग्नीशियम जो है वो मसल्स को ताकत देता है ब्लड वेसल को देता है रेस्पिरेटरी हेल्थ को अच्छा करता है कैल्शियम है वह इसमें जो तिल तेल में कैल्शियम है वो कोलोन कैंसर नहीं होने देता ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होने देता है जो भी पेशेंट हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस के आते हैं उनको हम लोग क्या देते हैं लाक्षा गो फिर आभा को और तेल का बस्ती देते हैं शीर वाला धनवंतर तेल वगैरह तो अगर कवल गंडूस करेंगे बॉडी में कभी भी ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा ठीक है माइग्रेन नहीं होगा तो इसमें जो है वो बोन हेल्थ को मजबूत करता है तिल तेल जो रहता है उसका कवल गंडूस करने से क्या होता है कि ज्वाइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रहेगी आपको फिर अगर जो लोग ये कर रहे हैं उनको बस्ती लेने की जरूरत नहीं है मुंह से ही वो एबजॉर्ब हो रहा है मसूडों से एब्जॉर्ब हो रहा है तो सारे ज्वाइंट्स अच्छे रहेंगे इससे जो स्किन है वो सॉफ्ट रहेगा हमेशा त्वचा तो अच्छा जो है कवल गंडूस करने वालों का त्वचा तो अच्छा आप लोग देखेंगे तो जो छोटे बच्चे का कितना प्यारा स्किन होता है सॉफ्ट होता है वैसा स्किन हमेशा रहता है और ये तिल तेल है वो बहुत सारे स्किन केयर में भी बहुत उपयोगी रहता है अंदर कट गए गए हो अंदर जख्म हो गया उसको ये ठीक कर देता है ये जो कवल गंडूस है वो करने से चेहरों पे झुर्रिया नहीं पड़ती है है ना और रिंकल्स नहीं पड़ते हैं जो लोग ये करते हैं क्योंकि ये एक तरह से एक्सरसाइज है मुंह का और तेल जितना हम कवल गंडूज करते हैं अंदर अंदर स्किन में वो एब्सॉर्ब होता है चेहरे के चेहरा हमेशा फ्रेश रहता है तो बुढ़ापा नहीं आएगा चेहरा कभी ऐसा नहीं लेगा अगर अस्सी साल के भी हो गए तो लगेगा कि यंग है जो लोग कवल गंडूश करते हैं और नाक के जितने भी स्किन है वह बहुत ही सॉफ्ट रहती है और इससे क्या होता है कि जो मुंह का मुंह में जो ब्लड वेसल्स रहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा मतलब ये रहता है मतलब त्वचा तो में उसका तुरंत एब्सॉर्पन होता है जो ब्लड वेसल्स रहते हैं जब हम लोग खाने को जल्दी जल जल जल्दी खा लेते हैं तो उसमें सलाइवा मिक्स होता है और बहुत सारे एंजाइम्स जाते हैं जिसको हम बोधक कब बोलते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिय तुरंत एब्जॉर्ब होते हैं और मुंह से और वो तुरंत स्टमक में जाते हैं इसलिए हम लोग जो डेपिन का डेपिन का जो है सब लिंगली देते हैं वो जो टेबलेट आता है बीपी कंट्रोल करने का मतलब मुंह से कोई भी चीज जल्दी फास्ट एब्जॉर्ब होता है और स्टमक में तुरंत जाता है तो क्यों ना कवल और गंडूस करके हम तिल तेल को डालें तो उसका कितना जल्दी फास्ट फास्टॉर्न होगा जब हम लोग कोई भी चीजों को चबा के खाते हैं तो मुंह में फोर्टी परसेंट कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन मुंह में ही हो जाता है तिल तेल जो रहता है वो जब हम लोग कवल और गंडूस करते हैं तो वो ट्रांसमिटेड होता है मुंह के थ्रू बिना हम लोग उसको निगले हुए भी पूरा शरीर में तिल तेल पसर जाता है जैसे कि खेत में अगर हम सिंचाई कर रहे हैं तो एक जगह पानी गिर रहा है मोटर से ट्यूबवेल से गिर रहा है तो अपने वो धीरे 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 पूरा खेत को पटा देता है पूरा इरिगेट हो जाता है खेत पूरा पानी तो उसी तरह से मुंह में केवल तेल धारण किया पूरी तरह से एब्जॉर्ब होकर पूरा शरीर तक फैल जाता है इतना फास्ट एब्सॉर्बन इसका होता है अगर आप रोज करेंगे अगर एक साल तक करेंगे तो कहीं पर भी वृक्षता रहेगी नहीं शरीर में त्वचा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा ज्वाइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा जिसका कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ है मुंह में धारण करें लेकिन कॉन्स्टिपेशन उसका सॉल्व हो रहा है क्योंकि तो तेल पूरा गुद्ध द्वार तक जा रहा है है ना जहां पर भी हार्ट के मसल्स भी अगर वीक हो रहे हैं वृक्ष गुण से खराब हो रहे हैं या माइकोड इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं या ब्रेन में भी ऐसा हो रहा है कि इस्चिमिक चेंजेस आ रहे हैं या एट्रोफिक चेंजेस आ रहे हैं वो सब में ये कवल गंडूज जो है एक रूट ऑफ डायरेक्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है ये इतना बढ़िया है इसलिए इसको दिनचर्या में बताया गया है तिल तेल जो है अगर कंटिन्यू हम लोग किया जाए तो स्किन से तुरंत ही एबजॉर्ब होता है तिल तेल और इसको हम अभ्यंग के लिए भी यूज करते हैं तिल तेल तुरंत ही अब्जॉर्ब होता है और टिश्यू से जाके बोन मैरो तक चला जाता है इसलिए हम लोग अभ्यंग का प्रयोग करते हैं यह तिल तेल मुंह में धारण किया तो यह क्या करेगा ब्लड स्ट्रीम से तुरंत ही जाके कैपिलरीज में जाके सर्कुलेट होने लगता है और दूसरा क्या है कि लीवर जो होता है लीवर जो रहता है वो, वो जो तिल तेल का जो है ना उसको फ्रेंड की तरह लेता है उसको ऐसे नहीं जैसे हम लोग डालडा अगर खा रहे हैं वनस्पति घी खा रहे हैं तो लीवर को वैसा चीज नहीं चाहिए हाइड्रोजेनेटेड ग्राउंडनट ऑयल जो है वैसा वो एब्सॉर्ब करने में उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है लेकिन तिल तेल जो है वो लीवर का फ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड है ऐसा हमने अगर मुंह में धारण किया तो अगर लीवर को ऐसा फ्रेंड मिल रहा है जो मुंह से आ रहा है वो उसका स्वागत करता है क्योंकि इजिली एब्जॉर्बेबल भी रहता है लीवर में भी ऑयलिंग चाहिए जैसे कि मशीन होता है कार का मशीन इंजन होता है वहां पे ऑयल इंजन ऑयल डालते हैं तो कैसे इंजन अच्छा काम करता है वैसे ही लीवर को ऐसा फ्रेंड चाहिए तिल तेल का कि उसके जो एक एक सेल है लीवर पैराकेमल सेल उनको एक तरह से ऑयलिंग हो जाता है लीवर और अच्छे से काम करने लगता है वहां से पाचक पित्त का स्त्राव

हम तिल तेल का ये पाया गया है कि दांत हमेशा सफेद रहते हैं मसूड़े मजबूत रहते हैं जो लोग तिल तेल का कवल गंडूज करते हैं वो जो पहले बोलते हैं ना कि लोहे के चने चबाना उतना मजबूत दांत हो जाते हैं कि लोहे के चने भी चबा सकते हैं इतने मजबूत हो जाते हैं आजकल तो लोग एप्पल खा रहे हैं और काटते टाइम ही खून आ जाता है इतने दांत कमजोर हो जाते हैं पहले के जमाने में लोग ना सौ सौ मन तक गन्ने का चूस के खा जाते थे आजकल तो मशीन का जमाना है तो हम लोग शुगर केन जूस बना के पीते हैं लेकिन पहले के लोग वो चाबते थे चाबना मतलब वो गन्ना पूरा ऐसे ही खा जाते थे चूस चूस के रात रात भर खा जाते थे उतना एक्सरसाइज होता तो वो दांतों को मजबूत करने के लिए कवल और गंडूज किया जाता था और डेंटल हेल्थ जो लोग कवल गंडूज करते हैं उनको पूरी लाइफ तक दांत की कोई बीमारी नहीं होती मसूड़ों की बीमारी नहीं होती कीड़े नहीं लगते हैं हमेशा दांत मजबूत रहते हैं पहले के जमाने में लोग इतने मजबूत होते थे कि दांत से रस्सी खींच के बैलगाड़ी को चला लेते थे इतने मजबूत दांत होते थे तो वो कैसे होता था कवल और गंडूज करने से मसूड़े इतने मजबूत हो मसूड़ों के नीचे जो जॉ है पूरा मैंडिबल का एरिया है वो इतना मजबूत हो जाता है इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है उसी तरह से कवल गंडूज करने वालों को हेडेक अगर हो रहा है और अगर हेडेक किसी को हो रहा है कवल गंडूज करा दीजिए हेडेक ठीक हो जाएगा माइग्रेन ठीक हो जाएगा एलर्जीज जो है वो ठीक होगा ब्रोंकाइटिस ठीक होगा अस्थमा ठीक होगा अर्थराइटिस ठीक होगा एक्जिमा ठीक होगा मैं सारे मॉडर्न डिजीज बोल रहा हूँ आयुर्वेद में तो आप लोगों को मालूम है स्टमक एलिमेंट्स ठीक होगा हार्ट डिजीज किडनी डिजीजेस म्यूकस कंजेशन अल्सर ठीक होता है डायबिटीज ठीक होता है बैक पेन साइनोसाइटिस और जो लेडीज की जितनी बीमारियां हैं डिसमेनोरिया डिसिया मतलब पेन ड्यूरिंग सेक्स या फिर मेंसेस में जो पेन होता है मेटोरेजिया मेनोरेजिया अमेनोरिया पीसीओडी फाइब्रॉइड्स फाइब्रोइ्सो फिर एंडोमेट्रियोसिस इतनी सारी बीमारियां जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमनली पाई जा रही है वह सब नहीं होती है कवल गंडूस करने से और यह केवल एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं है ये सच में रिसर्च हुआ है कवल कंडूस करने वालों का जितने भी जो लोग करते हैं लेडीज लोग उनको कभी भी मेंसेस का प्रॉब्लम नहीं आता है क्योंकि स्नेहन होता है एब्सॉर्बन होगा पूरा यूट्रस तक जाएगा तुरंत

उन, उनको हील करने में बहुत हो जाता है किसी को नींद नहीं आती है कवल गंडूस करें या नस न उनको नींद अच्छी आ जाएगी तो एक तरह से गंडूस जो है वो सिंपल है खर्चा कम रहता है सबसे ज्यादा इफेक्टिव है सेफ है और जो इंग्रेडिएंट्स है तिल तेल यह पूरी दुनिया में सब जगह मिलता है इसका प्रयोग जरूर करिए आप लोग अब आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोलिए डॉक्टर मैम हाँ सूरज जी बोलिए हेलो सर मतलब इसके कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है क्या मतलब जैसे पित्त विकार या गर्भिणी में आप आप तिल तेल का कहीं पड़े हैं क्या आपकी बस अंदर नहीं जाना चाहिए अंदर नहीं ले सर मतलब तेल ते, के गंडूस के, के हिसाब से ही मतलब अंदर नहीं 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 कुछ भी नहीं है ये दिनचर्या में बताई चीजों का कभी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता हाँ सर थैंक यू आप तो वचन इसका बेनिफिट ही है नमस्कार सर हाँ सर जी बताइए सर मतलब आपने दिनचर्या का के बारे में तो बहुत अच्छा बता दिया सारा कुछ लेकिन गंडूस को अपन रोग के हिसाब से भी गंडूस चार तरह का बताया है जी समन और रोपण जी तो रोपण में जो करते हैं उसमें तो जैसे अम्ल कटुरस वालों का प्रयोग करते हैं इससे मोह के जो घापे वगैरह वो भर जाए संसमन के लिए अपन तिक्त कसाय और मधुर द्रव्यों के शुद्ध से करते हैं और दूसरे जो इसने है छीर है मधु है इनको भी हम प्रयोग कर सकते हैं इसमें जैसे अपन जो तिल तिल कल का उदक होता है उसमें दंत हर्ष और इनके लिए भी अपन जो दांत हिलते हैं या ठंडा ठंडा गर्म लगता है उसके लिए अपन प्रयोग कर सकते हैं जी। और नित्य के लिए आपने जो बताया है कि तिल तेल और ए, मांस रस का भी अपन प्रयोग कर सकते हैं नित्यम तैलम मांस रसवा अथवा तो इसका भी अपन कंटिन्यूसी में प्रयोग कर सकते हैं इसके अलावा मधु का भी अपन गंडूस उपयोग कर सकते हैं वो अपनी और तृष्णा में काम आता है और मुंह को भी साफ रखेगा और जो घाव है वो भी बढ़ जाएंगे इसके अलावा इसमें धान्य अम्ल का बताया है कि धान्य अम्ल जो है वो मुख में दुर्गंधी को दूर करता है और यदि ठंडा और बिना नमक के धान्य अम्ल का गंडूस किया जाए तो मुख में जो सोस है सूखापन उसको खत्म करता है और यदि छार से युक्त जल के गंडूस को किया जाए तो उसमें जो शिलेश बहुत ज्यादा बन रहा है कई कई के उसमें उसको बहुत अच्छा आराम मिलता है और यदि गर्म जल से भी गंडूस किया जाए तो उससे मुंह में जो थोड़ी हल्कापन आ जाता है जी और इसके अलावा जो इसमें बताया है कि असंचय जो गंडूस का क्रिया है वो किस तरह की है तो असंचय मुखे पुण्य गंडूस है मतलब मुख को हलना हिलना नहीं चाहिए मुख को बिल्कुल फुल कर लेना चाहिए इस तरह से उसको गंडूस कहेंगे अपन जी और इसके अलावा जैसे ये जो इसको करना किस तरह चाहिए सातपे स्वंग मृत स्कंद मतलब स्कंद को और कंधों के हिस्सा को मर्दन करके और गंडू धारण करना चाहिए मुख को ऊपर करना चाहिए और आंख और नाक में श्राप हो जब ये इसको धारण करना चाहिए इस तरह के समय बताया और रोगों के हिसाब से फिर भी और अलग अलग है जैसे का का भी भी है 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 सर्वसर रोग में है। उस तरह से अपन इसको उपयोग कर सकते हैं दं वगैरह तो और भी चीज बताइए तो और ठंडे गर्म के लिए भी ये और भी दवाइयों के भी कर सकते हैं अपन तो आपने जो बताया ये दवाइयों बीमारियों के हिसाब से अपन इसको इसका प्रयोग कर सकते हैं बहुत अच्छा बताया आपने यह हमारा ट्वेंटी टू चैप्टर है सूत्र स्थान में उसमें गंडूस विधि अध्याय बताया गंडूशादी विधि अध्याय तो आपने जो बताया वो सही बताया ग्रंथोक्त बताया कि गंडूस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं स्निग्ध शमन शोधन और रोपण करने वाला स्निग्ध गंडूस जो है वायु में काम करता है शमन जो गंडूस है वो पित्त में शोधन गंडूस कफ में और चौथा रोपण है जो व्रण नाशक होता है तो आपने सब तो सारांश बता ही दिया इसमें हम लोग गंडूस के लिए स्नेह का प्रयोग कर सकते हैं दूध मधु का पानी शुक्त मध्य मासरस मूत्र ध्यान का प्रयोग कर सकते हैं दंत हर्ष हो रहा है दांत हिल रहे हैं तो और जन मुख रोग है तो थोड़ा गर्म शीतल तिलकल का पानी गंडूस में ऊपर उत्तम है सामान्य गंडूस में तिल का तेल मासरस उत्तम है अगर थोड़ा जलन हो रही है व्रण आगंतुज है विषपान है शार अग्नि से जल गया है, तो घी या दूध का मुख में गंडूस करना चाहिए मधु का गंडूस भी बोला है जहां पे व्रण हो गया मुंह में प्यास और दा हो रहा है उसमें मधु के साथ मधु का गंडूस करने के लिए बोला है फिर उसके बाद में गंडूस जो बोला है वो कांजी का गंडूस बोला है मुख की विरसता मुख के मल दुर्गंधिता को नष्ट करता है कांजी का गंडूस नमक के बिना शीतल धारण करने के लिए बोला है इससे मुख शोष ठीक होता है और जो शार का गंडूस है वो कफ के संचय मुंह में बहुत ज्यादा ऐसे कफ 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 बहुत है या टॉन्सिलाइटिस है उसमें शार का पानी का प्रयोग किया बता है होते गर्म पानी से गंडूज करने से मुख में लभुता आ जाती है गर्म पानी से गंडूज करने के लिए बोला है इसमें बोल रहे हैं कि बात्र स्थान में धूप में रोगी को बिठाकर उसके कंधे और गिरवा में पहले स्वेदन और मर्दन करना है फिर गंडूज को पिए बिना पिए ही मुख को ऊंचा करके गंडूज को मुख में रखना है और ऐसा तब तक करना है जब मुख से कफ से न निकलने पाए नासिका और आंखों से न बहने पाए तब तक करना है मतलब पूरा सारे दोष निकलना शुरू हो जाते हैं इतना फायदा होता है और जब हिलाए जाते हैं उसको कवल बोलते हैं कवल करने से तो मन्या का प्रॉब्लम शीर कान मुख आंख के रोग लाला अरुचि और पिनस ये रोग ठीक हो जाते हैं इतना बढ़िया इन्होंने कवल ग्रह का भी बताया अब आप लोग बताइए सर बोलिए पल्लवी मैम आदित्य सर कुछ एक्सपीरियंस कुछ आप लोगों को क्या कुछ बोलना है बोल सकते हैं अभय है सोनाव सर माधुरी मैडम पर कुछ बोलना है आप लोग को हेलो हाँ जी बोलिए हेलो सर मतलब कि जो धातु है वो मतलब धातु का मतलब संबंध है मतलब अपने दंत से या केस से तो जमद अग्नि सर के लेक्चर में भी मतलब मैंने सुना था कि कुछ कुछ अभी जो मतलब मॉडर्न में जैसे मेहंदी लगाते हैं बालों को कलर करने के लिए या दांतों के ऊपर मतलब Uh, मेहंदी का उदाहरण दिया था उधर कि उसका मतलब जो केमिकल यूज करते हैं उसका इफेक्ट मतलब अस्थि धातु और पकवाशय का मतलब आश्रय आश्रय संबंध रहता है तो जो केमिकल यूज किए जाते हैं मतलब हेयर के लिए उसका इनडायरेक्टली uh, इफेक्ट मतलब पकवाशय भी पकवाशय भी पकवाशय पे भी होता है क्योंकि उस केमिकल का इफेक्ट पहले अस्थि धातु पे होगा और उसके बाद अस्थि धातु और पकवाशय आश्रय आश्रय तो मतलब इनडायरेक्टली uh, पकवाशय पे होगा वैसे हम जब दाँत पे कुछ लगाते हैं तो दंत और अस्थि का भी संबंध है और मतलब आ, अच्छा कुछ दाँत के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इनडायरेक्टली उसका भी इफेक्ट मतलब पक्वाशय पे ही अच्छा होगा बहुत अच्छा बताया है आपने पक्वाशय पे इसका जरूर होता है इफेक्ट और किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं जो भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं आप लोग का ही प्लेटफॉर्म है और सर एक बात थी सर हमारे सर ने मतलब वो और ये कुछ जो है ना मतलब जो क्लॉट्स बनते हैं ब्लड वेसल्स में या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है उसके बारे में एक चीज बताई थी मेरे को कि जब ब्लड वेसल में रुक्षता बढ़ती है तो जो स्निग्ध जो स्निग्ध आम रहता है वो अगर ब्लड वेसल्स में रुक्षता है तो उधर मतलब जम जाते हैं अगर जैसे कि स्निग्ध और रुक्ष चीज जब एक साथ आए तो मतलब उधर वो रुक जाती है और ब्लॉक हो जाती है तो जैसे कि आपने बताया अगर मुंह में हमने वो धारण किया तो मॉडर्न में कैसे है कि जब अटैक या जो हार्ट वाले पेशेंट रहते हैं उनको इमरजेंसी में जो दवाई दी जाती है वो सब एक्ट करती है तो अगर सब एक्ट करती है इसका मतलब वो सलाइवा से सब अपने हार्ट तक जाती है मतलब रसव स्त्रोत तक चली जाती है तो ऐसे अगर ये तेल धारण किया जाए या कोई भी मतलब क्वाथ या मतलब गंडूस में धारण किया जाए तो हमारी बॉडी की भी मतलब नेचुरल टेंडेंसी रहती है कि जितना उसको आवश्यक है वो सब उतना मतलब एक्सेप्ट करेगी और मतलब हृदय से फिर रसवाही रक्तवाही स्रोतों में जाके उधर अगर कोलेस्ट्रॉल का ही इश्यू है तो उधर मतलब वो ब्लड वेसल की स्निग्धता करेगी, जिससे उधर मतलब आम का डिपोजिशन नहीं हो पाएगा इससे उसमें उपयोग होगा जी, तो अभय सर आप प्रॉमिस करिए वो हमारे स्क्रीन पे दीदी कर रही है गंडूश आप भी करेंगे ऐसा प्रॉमिस करिए सर रोज सुबह तेल तेल का करेंगे हाँ अभय सर कुछ बोलना चाहते हैं सर सर मेरे को रात में, में हो था क्यों क्यों एक, क्या मालूम नहीं क्या हो गया था क्या सिम्टम था एकदम स्वेटिंग वगैरह हो गया था पेट में ऐसा ये हो रहा था भूख लगे ऐसा हो रहा सर, था आम पाचक बट्टी जब भी लेते हैं ना तो पेट में अन्न होना चाहिए तभी लीजिएगा ऐसे लेंगे तो नहीं भाई ना तो लेता लेता हूँ ना तो आप थोड़ा रात में हुआ मेरे को सडनली तो आप कभी भी चॉकलेट या कुछ ऐसे शुगर का कुछ रखा करिए गुड़ या कुछ हम्म नहीं मैं रात में उठ के फिर थोड़ा सा ये किया बाद में ठीक कुछ खा लिया फिर मैं ठीक हो गया मिनट में बहुत स्वेटिंग हुआ था जी सर ठीक है ध्यान रखिएगा आप सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं खाना कम पड़ गया होगा नहीं सर मैं डेली जितना खाता हूँ सुबह मैं सुबह नौ साढ़े नौ बजे खाता हूँ

आपने उसको रोक के नहीं नहीं था कुछ भी नहीं था मैं से से गया था था बजे तब तक कुछ नहीं था। मैं आराम से सो भी गया था मेरे को जैसा हुआ मैं उठ गया उसी मेरे को स्वेटिंग पेट में ये भूख लगा जैसा बहुत तो हो गए इसीलिए तकलीफ हो गई पहली बार ही हुआ नाइट में ऐसा लेके सोया करिए चॉकलेट या गुड़ लेके कभी ऐसा हुआ हाँ मैं काया पहले बाद में हाँ, ही ये जी सर हाँ सोनिया मैम कुछ बोलना चाहती हैं हाँ। हाँ, इस वगैरह सब ठीक होता है ये तिल तेल का किया तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है रिंकल्स नहीं आएंगे आप सोनिया मैम आप करेंगी ना जब आप नाइनटी फाइव एकदम हाँ जी जरूर सर और में सर और क्या यूज कर सकते हैं आ, लिए। आपका जो क्वेश्चन है ना इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो अभी पूछे बाकी चीजें हम बजे वाले सेशन में बात करेंगे ठीक है सर अभी है। क्योंकि ये टॉपिक ना पूरा रिकॉर्ड हो रहा है और ये यूट्यूब में जाता हाँ। है इसी टॉपिक से रिलेटेड बात करिए अभी हेलो हाँ। सर एक और चीज मतलब बोलनी थी हेलो बोलिए बोलिए हेलो सर मतलब कि जब बस्ती के लिए ना मतलब बहुत से पेशेंट जब बहुत से वैद्यों का मतलब ये भी प्रॉब्लम रहता है कि नई नई प्रैक्टिस में बस्ती के लिए मतलब नाना बहुत करते हैं तो सर जैसे कि बहुत सारी बस्तियां है जैसे चंदन बाला लाक्षादी बाला तेल लाक्षादी तेल और जैसे तेलों की जो बस्तियां है उसमें अगर पेशेंट बस्ती नहीं ले रहा है और अगर यही मतलब सोचा कि उस उसने मतलब गंडूष नित्य किया हाँ। तो भी स्नेहांश उसके मतलब पक्वशय तक इनडायरेक्टली जाएगा फर्क ये इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली जाते हैं सर पर मतलब जाएगा वैसे कि पर जो बस्ती में जाएगा वो थोड़ा इससे फास्ट जाएगा और हाँ। कंपैरेटिवली ये थोड़ा स्लो जाएगा मतलब जाएगा दोनों केस में हाँ। पर अगर पेशेंट नाना करता है मतलब बस्ती के लिए और बिल्कुल ही मतलब नहीं मान रहा तो मतलब उसको नित्य गंडुष कराए मतलब जो बस्ती आ, में तेल इस्तेमाल करते हैं वैसे तेल अगर नित्य गंडुष में इस्तेमाल किए तो उसकी बॉडी की मतलब स्निग्धता या पकवाशी की स्निग्धता हम मेंटेन कर सकते हैं बराबर जी हेलो सर हाँ वीना मैम बताइए मेरे एक पेशेंट को ओरल कैविटी का सीए रिकरेंस हुआ है दो साल अच्छे थे और अभी ऊंड हो गई है जिवा के नीचे मूल तक तो मधु का पहले तिल तेल का गंडूश दिया था और उसके बाद में मधु का ठंडे पानी से तो और क्या दे दू सर उसको गंडू तो आप बहुत कुछ दे सकते हैं जातिया तेल, 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 हाँ। तेल, तेल का हाँ। दे सकते तिल तेल का दे सकते अच्छा दुग्ध में महा तिक्त डाल के चलेगा हाँ हाँ उस उससे हीलिंग होगा हंड्रेड परसेंट होगा अच्छा अच्छा चेंज करती हूँ थोड़ा मधु से भी इस हीलिंग होगा ना होगा महा तिक्त जो है वो कुष्ठ जन्य संप्राप्ति को ठीक करता है आ, सर सर इस तरह के केस में मधु से गंडूस करवा के हा? और त्रिफला या पाठा इनका यदि गंडूस करा, संग में चमेली के पत्ते भी उपयोग कर सको तो अच्छा है चमेली के पत्ते और त्रिफला इनसे बहुत जल्दी का और मैंने बहुत सारी दवाई नहीं हुआ लास्ट मैंने यही उपाय किया उसको तो उससे दूसरे तीसरे दिन ही उसको रिलीफ मिलने चालू हो गया चमेली क्या, सर मराठी में आ, चमेली को क्या बोलते ओके मुख पाक में जुई देते हैं हाँ करेक्ट हाँ। करेक्ट करे, करे। थोड़ा चेंज करके देखती हूँ सर अभी इसका गजरा बनता है उसको क्या बोलते हैं साथ में है? मैम या जी, जी वो त्रिफला मसाला अपन प्रयोग करते हैं ना घर्षण के लिए हाँ हाँ बराबर भी प्रयोग कर हैं ओके ओके अभी मैंने मधु दिया है पहले तेल दिया था तिल तेल और अभी मधु और ठंडा पानी अभी आप बोल रहे वैसा चेंज करके देती हूँ काढ़ा हेलो okay, सर मतलब जाति अभी का जो बोला ना वो जासमिन yeah. का प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ा हुआ है वो नियरली मतलब त्रिदोषक नहीं और मतलब सुकुमार व्यक्ति भी मतलब उसको ये कर सकते है वरण रोपन और मतलब हीलिंग प्रॉपर्टीज में वो मतलब अच्छा है उसका फ्लावर ले लो वाइट या मतलब उसके पत्ते उसका क्वाथ बहुत ही मतलब इफेक्टिव होगा इस तरह मतलब गंडूस में इसका अच्छा उपयोग हो सकता है जी और किसी को कुछ बोलना है गंगवार सर हाँ प्राम सर सर ये पैरालिसिस में काम, काम करेगा कुछ यार हंड्रेड परसेंट काम करेगा फेशियल पैरालिसिस है सारे मसल्स को सॉफ्ट कर देता है सर ये तो मैंने देखा भी है सर के पास भी देखा है खुद करवाया भी है कवल गंडू से बहुत अच्छा फायदा होता है सर उसको सर गंडू से कबल अच्छा रहेगा एक्सरसाइज भी होगी साथ में हाँ जी सर आप सब लोग प्रॉमिस करिए कि कल से तिल तेल को मुंह में धारण करके रखेंगे थोड़ा देर तिल तेल या पानी या त्रिफला को आग, जो भी है मधु घी कुछ तो करेंगे तिल तेल सर, सबसे मैं साल से से प्रेगनेंसी मैं अभ्यंग रोज करती हूँ रोज करती हूँ और तिल तेल का गंडूस भी करती हूँ सर मैम आपने अभी तक दिखाया नहीं अपना बाल कितना दिन बा... हो गया नहीं, मैं अभी आ रही पुणे में अच्छा पुणे में आ रही है अच्छा और सर और थोड़ा अलग मैं पूछू क्या, क्या अभी क्या रात अभी नहीं अभी नहीं नौ बजे ओके, ओके। अभी केवल ये टॉपिक पे हाँ गंगवार सर कुछ बोलना चाहते हैं आदित्य सर इसमें कुछ करना नहीं है तिल तेल को मुंह में रोक के रखना है बस इसी को बोलते हैं गंडुश अगर हिलाते हैं तो उसको बोलते हैं कवल कितना सिंपल है और कितना ज्यादा फायदा होता है सर इसके इसके क्या नाम है घाव भरने के लिए इसमें अष्टांग बताया बताया और इसमें भी बताया कि जैसे उसको निकाल के अर्बुद को और उसमें सर्जिकार सौ मधु इससे प्रसारण करने के बाद गिलोए नीम का कल और मधु और तेल मिलाकर इनसे गंडूस करे तो वो तुरंत ही भर जाता है घाव ये सु बताया अपने स्ट्रैंगर जी ने सब हाँ और किसी को ओरल अल्सर हो जाता है एंटीबायोटिक खाने से या मिर्ची ज्यादा खाने से उनके लिए भी त्रिफला क्वाथ को आ, ये करें गंडुल करें ठीक होता है इमीडिएट फायदा होता है और किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं आरती मैडम नेहा मैडम कुछ बोलना है पल्लवी जी कुछ बोलना है मैं पल्लवी जी को आज भी मेल करना भूल गया टाइम नहीं मिला मैं भेजूंगा अभी मैं याद रखता हूँ ये लेक्चर होने के बाद मैं मेल करता हूँ पल्लवी जी सर जैसे ओरल कैंसर में सड़ान रहती है तो पंचवलकल या त्रिपला हाँ उसके काढ़े के साथ वॉशिंग अच्छी रहती है और फिर हाँ. दूसरा एक बढ़िया स्फटिक कर्पूर मौसी की मौसी की छाल छालिया कोई भी शारीरिक द्रव्य अगर हो तो जैसे अपामक शाद तो और सर उसके बाद जो स्नेह और क्लीनलीनेस के लिए ये ये बढ़िया है, है वो भी सर अच्छा है. उसके अलावा को भी मैं रगड़ के देता है बहुत बढ़िया काम करती है तो दांतों को बचाए रखती है ओरल कैंसर में जब और स्मेल आ रही है छेद है तो बदल के जैसे क्लीनलीनेस के लिए हमने यूज किया शारी द्रव्य और और उसके बाद स्नेह के लिए और क्लीनलीनेस के लिए दीन दादी तो बहुत बढ़िया वो रिजल्ट रहते हैं सर जी जी सर बहुत अच्छा बताया सर आपने ठीक है और कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं हेलो हाँ जी बोलिए मैम हाँ सर मेरे पास एक पेशेंट आई थी वो मेरी पुरानी पेशेंट है तो उसको उसने डेंटिस्ट के पास चली गई तो वो डेंटिस्ट ने बोला कि उसको अंदर से फिश फॉर्मेशन हो गई है दातों के अंदर एक्सरे निकाला तो उसने दिखा उसको तो फिर उसने बोला कि ऑपरेट करना पड़ेगा लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऑपरेट किया तो वो जो वहाँ की नस है उससे आपको फेशियल पैरालिसिस भी हो सकता है तो वो मेरे पास आ गई और उसने और एक बोला था कि अगर वो ऐसी रह गई तो आगे जाके एबसेस भी हो सकता है उसमें तो फिर मुझे मैंने थोड़ा सा आसान और चरम पड़ा तो उसमें सारा जितना पड़ा उसमें एक ही मुझे दिख रहा था कि ज्यादा से ज्यादा पंचवल्कर कषाय और चंद्र प्रभा वगैरह ऐसे यूज करने चाहिए या तो त्रिफड़ा काढ़ा यूज करना चाहिए तो फिर मैंने उसको बोला कि प्रिकॉशन के लिए हम अगर अभी वो कनाडा में रहती है तो पंचवल कषाय का भरण मेरे पास था लेकिन वो लेके जाना उसको प्रॉब्लम था तो फिर मैंने उसको त्रिकला का चूर्ण दिया और उसमें इरेमेदारी ऑयल डालने को बोला और कवर करने को बोला और एक प्रिकॉशन के लिए चंद्र दिया तो और ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं थोड़ा रिपोर्ट्स भेजिए तो मैं देख के बताऊंगा मैम रिपोर्ट्स भेजिए तो मैं थोड़ा पढ़ के और बता पाऊंगा तो कोई बात नहीं और सर कुछ पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं मतलब यहाँ पे कैसा ट्रेंड है कि हर साल पेशेंट डेंटिस्ट के पास जाती है और फिर वो चेक करते हैं तो अंदर से फिर वो बोलते हैं डॉक्टर की रूट स्कैनर करना पड़ेगा अंदर की नशे ही वो तो अगर ये गंडूश और कवल करेंगे थी थी। तो ये सब करने जरूरत ही नहीं ये सब करें तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी और जो वर्षक देखे देखे अगर नहीं। और द्रव्य देने हाँ, है तो कालक पीतक चरक संहिता में बताया है वो सारे दंत मंजन हम लोग बना सकते हैं बबुल का खदीर का और जो बोला है ना दंत धावन के लिए जो वनस्पतियां हैं उनका प्रयोग करें लवंग वगैरह दालचीनी लवंग तो वो होगा ही नहीं कभी इसी के आधार पर डाबर लाल

अभी हम सेशन बंद करते हैं नौ बजे मिलेंगे ठीक है और पल्लवी जो आपका केस था वो आप कृपया भेजिएगा ग्रुप में हाँ सोनिया मैम बोलिए बोलिए हाँ जी सर ये टंकन भस्म और सेंधा नमक का कवल काफी इफेक्टिव है ये भी थ्रोट के जो इंफ्लामेशन होते हैं ना जी तो काफी यूज किया था ये कोविड में भी पेशेंट्स थे हमने और जनरली इफेक्टिव है ये जैसे फेरेंजाइटिस बच्चों को भी हो जाता है या बड़ों में जी सही बताया आपने वो शार होते है पूरा कफ को निकालते हैं ठीक है तो भी हम बंद करते हैं सेशन अब नौ बजे मिलेंगे थोड़ा आधा घंटा का ब्रेक ले लेते हैं फिर मिलते हैं थैंक यू प्रणाम सभी लोगों को